माता पिता जब दोनों अंधे हो गए और अंधे होने के बाद श्रवण ने कहा अपनी पत्नी से, बिल्कुल बंद कर दो इस बोली पर जिस पर तुम्हारा हाथ लगा हुआ है। आज उसी समय सर्विस में ड्यूटी कर रहे थे, मां घर पर अकेली छोड़ के चले गए, मां बीमार हो गई। फोन किया, बेटा मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तू कब आएगा? कह रहे मां अब की जो रक्षाबंधन आ रहा है मैं जरूर आऊंगा। डहरी पर बैठ जाती है, अपने बेटा की याद कर करके आंखें उसी गली की ओर लगी रहती हैं जिस गली से बेटा आएगा। सोचती रहती है मैंने जिसे पाल पोस करके बड़ा किया वो आएगा, जरूर आएगा। रक्षाबंधन का पूरा दिन निकल गया लेकिन उसके कलेजे का टुकड़ा नहीं आया। भोजन बनाया लेकिन खाया नहीं। सुबह फोन किया, बेटा तू आया नहीं, मैं तेरे लिए भोजन बना के दरवाजे पर बैठी रही। लड़का कहता है मां अब आने वाली होली है, मैं उसके लिए आऊंगा ड्यूटी से। आती रही आएगा, जरूर आएगा। एक दिन अचानक में ज्यादा तबीयत खराब हो गई, नंबर लगाया नंबर नहीं लगा, पड़ोसियों ने मां को हॉस्पिटल तक ले गए लेकिन बस यही कहती है मेरा लाडला नहीं आया अभी तक, मेरा कन्हैया अभी तक नहीं आया। अरे भैया कोई बता दो मेरा पुत्र है कहाँ? लेकिन बेटा बेटा कह करके उसकी आत्मा निकल गई। जो माँ है वो कोई नहीं। जरा दुख होता है सारी रात गोदी में लेके बैठी रहती है, सुबह होता है डॉक्टर के पास भाजती है, कभी कोई सीने अपनी माँ बाप का कर्ज उतारा है? कभी कोई उतार पाया? नहीं उतार पाएगा, ना उतार पाया। सरवड़ की मां रो रही है, लाला तू हमें कहां ले जाएगा? नहीं मैया मैं चार धाम की यात्रा करा के तुझे लेके आऊंगा। एक सुंदर सी काबर बनाई, कंधे पर माता पिता को रख लिया, चला जंगल में जाके दोनों को प्यास लगी। चंद्रकला बोली लाला आज तो पानी की वजह से कंठ सूख हो जा रहे हो हेरे, थोड़ो कहीं पानी मिल जाएगो या नहीं? एक ऊंचे से वृक्ष की टहनी पर मां बाप को टांग दिया, लोटा हाथ में लेके गया जहां राजा दशरथ शिकार खेलने गए थे। एक तालाब के किनारे इंतजार कर रहे हैं कोई हिरन आए जल पीने में, उसका वध करूं। नहीं मालूम है चंद्रकला को आज मेरी गोदी का खिलौना मेरे हाथ से चला जाएगा। पानी के इंतजार में अगर शायद उसे पता होता कि मेरी